कि चुनाव के समय आमतौर से सब राजनीतिक पार्टियां की जो नेता हैं वो आपके सामने आकर प्रचार करती हैं, और प्रचार में आमतौर से उनको ये बातें करनी चाहिए जिनसे आपका मतलब होता है, मतलब आपकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, आगे भविष्य में 5 सालों के लिए क्या करेंगे, और पिछले 5 सालों के लिए उन्होंने आपके लिए क्या किया। लेकिन 2014 से लेकर 2019 से एक अजीब सा सिलसिला जारी हुआ है हमारे देश में, और वो ये है कि पूरे 5 सालों से सिर्फ प्रचार ही प्रचार चल रहा है और काम नहीं चल रहा। तो जब भी आप टीवी चलाएंगे या अखबार देखेंगे तो आपको बड़े बड़े प्रचार आपके सामने किए जाएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि जाने इस देश में इतना विकास हो गया है 5 सालों में कि 60-70 सालों से इतना काम नहीं हुआ। लेकिन जितना प्रचार आप देखते हैं, इश्तिहार आप देखते हैं, बड़े बड़े उस पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें होती हैं, बड़े बड़े ऐलान होते हैं। एक इश्तिहार मैंने देखा कि बिजली की बिल पर मारी तलवार, एक बार फिर मोदी सरकार। उसी दिन मैं उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही थी और मुझे कई महिलाओं ने ये अपनी बिजली की बिल दिखाए और उन्होंने कहा, दीदी देखिए हमारे घर में बिजली तो 2-3 घंटे आती है, हमारी 50,000 की 35,000 की बिलें आ रही हैं। तो एक तरफ एक झूठा प्रचार कि बिजली के बिल कटे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक असलियत कि बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं जबकि बिजली ही नहीं आ रही है। तो ये जो फर्क है प्रचार में और असलियत में, आप अब 5 सालों से देखे आ रहे हैं। अब चुनाव आया तो प्रचार और भारी होने लग गया। मोदी जी कहने लग गए कि वो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं और 50 सालों की उनकी तपस्या की उन्होंने, और 5 सालों में तपस्या द्वारा ही आपके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, तपस्या अहंकार को तोड़ती है, तपस्या क्रोध और नफरत का विनाश करती है। इनकी तपस्या ने अहंकार नहीं तोड़ी है, तोड़ा है। आज इस सरकार का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके बीच आने का एक ही माध्यम है, वो सिर्फ इस तरह से बड़ी बड़ी मीटिंगों में आपको भाषण देने आते हैं। लेकिन अपने ही क्षेत्र वाराणसी में, अपने ही संसदीय क्षेत्र में 5 सालों के अंदर उन्हें 5 मिनट का समय नहीं मिला कि वो एक भी गरीब के घर, एक भी किसान के घर जाएं और उनसे ये पूछे कि आपका हालचाल क्या है, आप कैसे जी रहे हैं, कि मेरा इतना बड़ा शासन है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी तपस्या कर सकता हूँ। ये तो आपसे कभी नहीं पूछा इन्होंने, सिर्फ आकर आपको बड़े बड़े भाषण दिए हैं। तप करने वाले इंसान दर्दमंदों के दर्द पर अपनी सत्ता की इमारत नहीं बनाते। तप करने वाले इंसान आदिवासी बहन भाइयों की तपस्या का मजाक नहीं उड़ा सकते। भूमि अधिकरण का कानून इन्होंने नष्ट किया है। असलियत ये है कि कांग्रेस पार्टी भूमि अधिकरण का कानून लाई और इनके शासन काल में उस भूमि अधिकरण कानून को तोड़ा गया, संसद में लाए। जब संसद में कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने इनको रोका, तब उन्होंने अपने प्रदेश के सीएम को फोन किया और हर प्रदेश में जहां भाजपा का शासन है वहां भूमि अधिकरण कानून को तोड़ा। एक समय में ग्राम सभा और किसान की सहमति से ही उनकी जमीन ली जा सकती थी। आज आपकी जमीन, जिस पर आपका अधिकार है, ली जाती है सरकार द्वारा, ली जाती है बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा ली जाती है, और आपका अधिकार उस पर बचा नहीं। यही असलियत है इनकी। प्रचार करते हैं कि जब तक ये जिंदा हैं तब तक आदिवासियों का बाल बांका नहीं होगा, लेकिन बाल बांका इन्होंने खुद किया है। इन्होंने खुद आपके अधिकार लूटे हैं और खुद आपसे अपने अधिकार लिए हैं।
अगर इनकी नीयत सही होती तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस ने जो जमीन इस्तेमाल नहीं हुई उद्योगपतियों द्वारा वो आदिवासियों को लौटाई, उस तरह से यह भी ऐसा करते। लेकिन नीयत सही नहीं है। आपकी जमीन को पीछे से बगैर आपके इजाजत के, बगैर सांसद में पास कराए आपकी जमीनों का अधिकार आपसे छीना गया है। वन अधिकार के जो पट्टे हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत प्रचार किया, लेकिन असलियत यह है कि 60% आवेदन उन्होंने खारिज किए हैं। इसके का मतलब है कि 100 में से 60 आवेदन वापस कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। तो जब अपने अधिकार आप मांगते हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है। इनकी असलियत यही है। जैसे कमलनाथ जी ने कहा, किसानों को पूरी तरह से 5 सालों में नकारा गया है। आज देश के किसान की यह स्थिति है कि हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री उनको उपज का दाम नहीं दिलवा पाए, हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री उनको बीज और खाद समय पर नहीं दे पाए, हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री 12,000 किसानों की आत्महत्या को देखकर भी मौन रहे, और जब हजारों की तादाद में देश भर से, प्रदेश से, हर प्रदेश से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान नंगे पांव पैदल दिल्ली शहर में आए, प्रधानमंत्री के द्वार तक आए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी हमारी 5 मिनट के लिए समस्याएं सुन लीजिए, तो हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री मौन रहे, अपने दरवाजे से निकलकर 5 मिनट के लिए उन किसानों से मिल नहीं पाए। उनके पास किसानों के लिए समय नहीं है बहनों और भाइयों, गरीबों के लिए समय नहीं है। उनके पास मात्र समय है कि वे दुनिया भर का भ्रमण करें, अमेरिका जाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलें, चीन के राष्ट्रपति से मिलें, जापान के राष्ट्रपति से मिलें, यूरोप में जाकर उनके राष्ट्रपतियों से मिलें, तमाम दुनिया में वो भ्रमण करें, लेकिन अपने देश हिंदुस्तान के गरीबों के लिए उनके पास कोई समय नहीं रहा। अगर वो इतना तप करते हैं तो युवाओं के लिए, युवाओं की जो तपस्या है, जो 5 सालों से युवा तड़प रहा है, युवा कह रहा है मेरी बात सुनिए, आपने मुझे 2 करोड़ रोजगार आपने कहा था कि आप दिलवाएंगे, आपने 5 साल पहले मुझे ये वचन दिया था कि आप हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, और देश का नौजवान भटक रहा है, त्रस्त है, परेशान है, लेकिन हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री के पास देश के नौजवान की आवाज भी सुनने का समय नहीं है। आज इनके शासनकाल में 5 करोड़ रोजगार घटे हैं, 5 करोड़ रोजगार बहनों और भाइयों कम हुए हैं। इन्होंने नोटबंदी की, आप सबसे कहा कि आप देशभक्त हैं, कतार में खड़े हो जाइए, आप खड़े हो गए, आपने अपनी देशभक्ति दिखाई, आपको गुमराह करके कहा कि देश में सारा काला धन वापस आ जाएगा। असलियत क्या है? 1 भी रुपया काला धन वापस नहीं आया। आप कतार में खड़े रहे, आपको परेशान किया गया, और इतने बड़े तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस नोटबंदी द्वारा, सिर्फ उस नोटबंदी द्वारा 50 लाख रोजगार खत्म कर डाले। आपको शहरों में रोजगार नहीं मिल रहा था, जब आप गांव वापस आए तो आपको पता चला कि उन्हीं तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को कमजोर कर डाला। जिस मनरेगा में आपको मजदूरी के पैसे मिलते थे आज नहीं मिल पाते, जिस मनरेगा में मजदूरों द्वारा काम कराया जाता था आज जेसीबी और ठेकेदारों द्वारा कराया जाता है। तो ना आपको शहर में इन्होंने काम दिया, ना गांव में इन्होंने काम दिया। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तपस्या होगी। कबीर दास जी ने कहा था, सोच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यहां आकर आपसे तमाम बातें करते हैं,
कहते हैं कि आपकी सुरक्षा करेंगे। मैं पूछती हूं, अगर आप इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं, आप इतने बड़े तपस्वी हैं, तो आप किसान को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? आप नौजवान को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? आप मेरी बहनों को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? क्या सुरक्षा के लायक नहीं है इस देश के वासी? तमाम भ्रष्टाचार इनके शासनकाल में हुआ, लेकिन इन चीजों का जवाब आपके सामने कभी नहीं दे पाते। जब जब आपके सामने आते हैं तो सिर्फ बड़ा बड़ा प्रचार होता है, सिर्फ फिजूल की बातें होती हैं, आपको नए सपने नई उम्मीद दिलवाते हैं, लेकिन जो पुराने सपने दिलवाए थे 5 साल पहले, जिनको इन्होंने चूर चूर कर दिया, इनके बारे में आपको एक भी लफ्ज नहीं कहते। आदिवासियों पर हमला करना इस देश की आत्मा पर हमला करना है। इंदिरा गांधी जी मेरी दादी थी, बचपन से हमें उन्होंने सिखाया, हमें कहती थी जो भी आप आदिवासी उनको छोटे छोटे पुरस्कार देते थे, घर पे लाती थी, हमें दिखाती थी और हमें आपकी सभ्यता आपकी संस्कृति के बारे में सिखाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि वह हमेशा कहती थी कि जो आपकी संस्कृति है, जंगल, जानवर, जमीन से जो आपका जुड़ाव है, जिस तरह से आप जमीन, जंगल, जानवरों की रखवाली करते हैं, उससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। वो हमेशा कहती थी कि सबसे आधुनिक सोच जंगल, जानवरों और जमीन के प्रति आदिवासियों की ही सोच थी, कि किस तरह से आप उनकी रक्षा करके इंसानियत की ही रक्षा करते हैं। तो ये बातें मुझे बचपन से याद हैं, इसीलिए मैं इंदिरा जी की पोती हूं और आज आपके सामने खड़े होकर आपसे एक आग्रह करना चाहती हूं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप पूरी तरह से जागरूक बन जाइए। आपको गुमराह करने की कोशिश हो रही है, आपका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और 5 सालों के लिए आपका निरादर किया गया है, आपको नकारा गया है। आज चुनाव आ रहे हैं तो बड़े बड़ी बातें हो रही हैं मंच से, और जिस मंच पे बैठे हुए नेता हैं, जो भी नेता हैं, चाहे मैं हूं, चाहे सीएम साहब हैं, चाहे भूरिया जी हैं, या चाहे भाजपा के तमाम नेता और प्रधानमंत्री हैं, जितने भी नेता इस मंच पे बैठते हैं, आपके सामने प्रचार करने आते हैं, उन सबको आपने बनाया है, उन सबको आपने मजबूती दी है। आपकी शक्ति के बिना किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो आकर मंच पे खड़ा हो। इसीलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अपनी शक्ति को पहचानिए, जागरूक बनिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है आपके सामने। ये जो वोट है आपका, ये बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ मत करिए। इसको व्यर्थ करने का मतलब है कि 5 और साल आप भुगतेंगे। आप एक ऐसी सरकार को भुगतेंगे जो भ्रष्टाचार, झूठ और आपको दबाकर आगे बढ़ेगी। आप जब अपनी आवाज उठाते हैं, आपने सुना सीएम साहब ने कहा कि जब आपने आवाज उठाई, जब किसानों ने प्रदर्शन किया, उन पर गोली मारी गई, जब आदिवासी प्रदर्शन करते हैं उनको दबाया जाता है, जब नौजवान अपना हक मांगता है उनको दबाया जाता है, उत्तर प्रदेश की तो महिलाएं जब प्रदर्शन करती हैं उनको पीटकर उनको जेल में डाला जाता है। ये कोई लोकतंत्र नहीं है बहनों और भाइयों, लोकतंत्र आपका है। लोकतंत्र का मतलब है ये देश आपका है। इसीलिए आज इस मंच पर खड़े हुए मैं इंदिरा जी की याद आपको दिलाते हुए ये कहना चाहती हूं कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप एक ऐसी सरकार लाइए जो आपकी शक्ति वापस अपने हाथों में दे। ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाइए जो फिजूल की बातें करने के बजाय आपको ये बताए कि आपके लिए क्या किया है और आपके लिए क्या करने जा रहे हैं।
आज भाजपा के नेताओं का एक ही प्रचार है कि किसान या सम्मान योजना निकाली है उन्होंने, जिसके जरिए 6,000 रुपए हर साल आपको दिए जाएंगे। आपको 5 सालों के लिए नकारा, आपकी जरूरतों को ठुकराया, आप कर्ज में डूब रहे थे, आपके कर्ज को किसके लिए कोई सहायता नहीं दी, जो आत्महत्या कर रहे थे उन्हें आत्महत्या करने दी, और आज चुनाव के 2 महीने पहले किसान सम्मान योजना निकाली है। और मैं आपको बताती हूं कि इस किसान सम्मान योजना से आपको क्या मिलेगा। हर रोज अगर आपके परिवार में 4 या 5 सदस्य भी हों, अगर आपको 6,000 रुपए सालाना दे भी दिए, जो कि मैं नहीं समझती कि आपको कभी देंगे भी, लेकिन अगर दे भी दिए तो हर सदस्य के एक दिन में 2 रुपए बनते हैं। भाइयों बहनों, इस महंगाई के जमाने में बताइए, ये किसान सम्मान योजना है कि किसान अपमान योजना है? ये आपको सम्मानित कर रहे हैं या आपको अपमानित कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता जब आपके सामने आते हैं, आपसे ठोस बात करते हैं, आपसे ये बात करते हैं कि आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना सरकार देगी, और ये 72,000 रुपए मेरी बहनों के खातों में जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने ये योजना इसलिए बनाई क्योंकि आपसे झूठे वादे किए गए थे। आपसे कहा गया था कि 15 लाख रुपए आपकी जेब में डाले जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने 1 रुपया आपको नहीं दिया। बड़ी बड़ी योजनाएं के बारे में बात करते हैं, उज्ज्वला योजना कहा था। मेरी बहनें, आपको अगर एक गैस का सिलेंडर मिल भी गया हो तो उसके बाद एक सिलेंडर आपको खरीदना पड़ा इतनी महंगे दाम पे कि किसी ऐसी महिला से मैं नहीं मिली कि उसको दूसरा सिलेंडर मिला हो। इस तरह की फिजूल की योजनाएं के बजाय कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 72,000 रुपए सालाना आपको मिलेंगे, ताकि आप कम से कम गरीबी की दलदल में निकलने की उम्मीद रख पाएं, अपने पैरों पे खड़े होने की उम्मीद रख पाएं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य का जांच और इलाज मुफ्त में होगा, सरकारी पाठशालाओं में 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। मेरे नौजवान भाइयों के लिए, अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 3 सालों के लिए आपको किसी भी परमिट या परमिशन की जरूरत नहीं होगी। भाजपा के शासन में 24 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि अपनी सरकार के बनते ही 1 साल के अंदर अंदर वो 24 लाख रोजगार भर दिए जाएंगे, 10 लाख ग्रामीण स्तर पर रोजगार बनाए जाएंगे, मनरेगा को मजबूत किया जाएगा, 100 दिन से 150 दिन का बनाया जाएगा, आपको मजदूरी समय पे मिलेगी, नई नई योजनाएं मनरेगा में भी मिलेंगी। इसके साथ साथ मेरे किसान भाइयों और बहनों के लिए एक अलग बजट बनेगा, जिसके जरिए आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी योजनाएं, कितनी पूंजी खर्ची जाएगी आप पर, और किस तरह से उनको सफल, उन योजनाओं को सफल बनाया जाएगा। किसानों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में यह भी सोच है कि छोटे छोटे फूड पार्क बनाए जाएंगे, जिससे आपकी उपज सीधी देश भर के बाजारों से जुड़ जाएगी। जो दुकानदार और छोटे उद्योगपति GST से त्रस्त और परेशान हैं, जिनकी कमर इस भाजपा की सरकार ने तोड़ डाली है, उनको एक बार फिर मजबूत करने के लिए उस GST को एक सरल GST में बदलने के लिए कांग्रेस ने अपना मन बना लिया है। जो मेरे आदिवासी बहन भाइयों के लिए कानून कांग्रेस ने लागू किए थे, उन कानूनों को दोबारा से लागू करना और मजबूत करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी। इसीलिए मैं आज आप सब से आग्रह करती हूं कि वोटिंग के दिन, जिस समय आप पोलिंग पे जाएंगे और किसी पार्टी के पक्ष में बटन दबाएंगे,
तो मेरी बातों को याद रखिए और उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। आपके सामने खड़े हुए कभी मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकती। सच्चाई ये है कि ये सरकार आपके हित में काम नहीं कर रही है। जो आपकी किसान की बीमा का पैसा है वो भी 10,000 करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में जाता है। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी किसान के कर्ज माफ कर रही है, भाजपा के नेता हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें झूठा कहते हैं और ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है गरीबों को देने के लिए, किसान के कर्ज माफ करने के लिए। सच्चाई क्या है बहनों और भाइयों? 550,000 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ किए हैं। ये स्थिति है, ये सच्चाई नहीं कहते, ये आपको झूठ झूठ से गुमराह करना चाहते हैं ताकि इनकी सत्ता बनी रहे, ये सत्ता में रहें और आपको कुचल जाएं, इस लोकतंत्र को तोड़ डालें। इसीलिए ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में सोच समझकर अपना वोट दीजिए। कांग्रेस को जब आप मजबूत बनाएंगे तो आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, आप अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाएंगे, आप अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने नौजवानों, किसानों और अपने भाई बहनों को मजबूत बनाएंगे। मैं आग्रह करती हूँ कि भारी बहुमत से आप कांतिलाल भूरिया जी और कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश की धरती से विजयी बनाकर देश भर में ये ऐलान कीजिए कि ऐसा अब नहीं चलेगा, कि देशवासियों को एक ऐसी सरकार चाहिए जो जनता की हित में काम करे और जनता का आदर करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। जय हिंद।